एवरीवन, सो दिस इज अवर नेक्स्ट लेसन ऑफ हिंदू वोकैबलरी। ये पार्ट सेकंड है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड चलिए डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। अगर आपको ये कोर्स सीरीज और मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, जो हिंदू वोकैबलरी हम डिस्कस करेंगे हर मंथ की, तो आप प्लीज़ रेट करिए इस कोर्स को एंड रिकमेंड करिए, अपने व्यूज़ दीजिए। दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी यशिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है वो है कल्मिनेट। अब कल्मिनेट मीन्स क्या होता है? देखिए, चरम बिंदु पर, यानी कि एंडिंग पॉइंट ऑफ द समथिंग, चरम बिंदु पर पहुंचना, ठीक है। लाइक इंग्लिश में इसको कहेंगे लाइक रीच अ क्लाइमेक्स और अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अटेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज इज लाइकली टू कल्मिनेट इन अ वॉर, ठीक है, चरम बिंदु पर पहुंच गई। आगे देखिए स्कॉच। स्कॉच मीन्स क्या होता है? फर्स्टली एक नाउन है और इसको उस पर्सन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जो एकदम आफत होता है, लाइक हिंदी में इसको हम कहते हैं आफत, ठीक है। समथिंग दैट कॉज अ ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, लाइक कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट ट्रबल कॉज कर रही हो या सफरिंग कॉज कर रही हो, उसको हम स्कॉच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं बात करूँ तो उसका मीनिंग होता है आफत, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द डिजीज कंटिन्यूज टू बी अ स्कॉच इन द डिवेलपिंग वर्ल्ड। चलिए बेस्मिच, अब इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्टली एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है किचड़ उछालना, यानी कि किसी की इमेज को खराब करना। नेगेटिव वर्ड है ये, इसका मीनिंग होता है डैमेज समवन रेपुटेशन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बिकॉज गेल वॉन्टेड हर सुपरवाइजर जॉब, वो चाहती थी कि उसको सुपरवाइजर जॉब मिल जाए, शी डिड एवरीथिंग इन हर पावर, वो जितना कुछ कर सकती थी अपनी ताकत से, उसने बेस्टमिच किया उस वूमेन के करेक्टर को। आगे देखते हैं कंसेंशुअल। अब कंसेंशुअल क्या है? देखिए कंसेंशुअल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अगर हिंदी में सहमति से कोई काम करना, लाइक आप कह सकते हैं आपकी सहमति होना, लाइक रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग अ कंसेंट और कंसेंसस, यानी कि इसकी आपकी सहमति होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, फ्रॉड चार्जेस वर फिल्ड आफ्टर द वुमेन यूज टू अ फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसने मतलब उसके ऊपर फ्रॉड चार्जेस आ गए, उसने क्रेडिट कार्ड विदाउट परमिशन के यूज़ किया, उसकी बिना सहमति के यूज़ किया। चलिए वॉयलेशन, अब इसका मीनिंग क्या होता है? सी दिस इज अ लाइक नाउन है ये, इसका मीनिंग होता है इरादा या संकल्प होना, ठीक है। अगर हिंदी में बात कहूँ, द फैकल्टी और अ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल्स, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बात करें, देखिए एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट माय पेरेंट्स प्रेफरेंस आई हैव डिसाइडेड टू अटेंड एन आउट ऑफ स्टेट कॉलेज ऑन माय ऑन वायलेशन, यानी कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी मतलब अपनी पेरेंट्स की डिस्पाइट ऑफ अपने पेरेंट्स की बात से नहीं, अपनी मर्जी से, यानी कि अपनी एक इच्छा संकल्प से मैंने उस कॉलेज का मतलब अटेंड किया आउट ऑफ जो आउट ऑफ स्टेट था। चलिए इंसेंस। इंसेंस मीन्स क्या है? सी इंसेंस एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्रोध करना, ठीक है, बहुत ही एंग्री हो जाना। एंड जैसे कि इसकी एग्जांपल देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर आउट होगा। न्यूज़ ऑफ द सैलरी रिडक्शन इज श्योर टू इंसेंस द वर्कर्स, लाइक जो आपकी सैलरी है वो रिड्यूस अगर हो जाएगी वर्कर्स की, वो ऑब्वियसली बहुत ही क्रोध करेंगे, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है ये। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हर्ल। हर्ल मीन्स क्या होता है? फर्स्टली एक वर्ब है, इसका मीन्स जोर से चिल्लाना, बहुत ही जोर से चिल्लाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, द ओल्ड वुमेन हर्ल्ड एट द टीनेजर्स, उसने चिल्लाया। जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या है? फर्स्टली एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बचकाना, एक तरह से इमैच्योर बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, लाइक इन अ मैनर दैट इज चाइल्डिश और इमेच्योर। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज आई एम वाइस प्रेजिडेंट ऑफ माई कंपनी, देर इज नो वे आई कैन शेयर अ जुवेनाइल प्रेजेंटेशन विद द बोर्ड, यानी कि वो एक वाइस प्रेजिडेंट है, ठीक है, कंपनी का, तो वो एक इमेच्योर प्रेजेंटेशन नहीं, एक चाइल्डिश मैनर में प्रेजेंटेशन बोर्ड के सामने नहीं रख सकता। अगला वर्ड देखिए प्रेडिलेक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? फर्स्टली एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है झुकाव होना, यानी कि किसी के प्रति या किसी थिंग के प्रति आपका झुकाव होना, प्रेफरेंस होना, आपकी स्पेशल लाइकिंग होना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, सिंस शी वाज अ साइजेबल आर्ट कलेक्शन हर प्रेडिलेक्शन फॉर आर्ट इज अपेरेंट। प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स क्या है? फर्स्टली एक नाउन है, इसकी मतलब इसका मीनिंग होता है बुद्धिमता, अगर मैं हिंदी में बात करूं, द एबिलिटी टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन, यानी कि
बहुत ही कॉन्शियस वे में, आप कह सकते हैं बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स की बहुत पावरफुल होना, उस पर्सन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्रूडेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एज ही ऑलवेज एक्सरसाइज प्रूडेंस विद हिज फाइनेंसिस सो ही मैनेज टू क्रिएट अ बिजनेस एम्पायर। सो आज के जो वर्ड हैं वो ख़त्म होते हैं, अगले सेशन में हम अगले वर्ड्स देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, की प्लानिंग, बाय बाय।